ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 21 रन से हराया। वनडे सीरीज को 2-1 से किया अपने नाम। भारतीय टीम 4 साल बाद अपने घर में कोई वनडे सीरीज हारी है। और दोस्तों बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान विराट कोहली मैदान पर ही लुंगी डांस गाने पर नाचने लगे। और मैच के दौरान एक कुत्ता मैदान में घुस आया। इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए खेल भी रुका। दोस्तों क्रिकेट न्यूज चैनल आपका स्वागत करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुत्ते का मस्ती आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर अच्छी शुरुआत की। हेड और मार्श की जोड़ी ने 68 रन जोड़े, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद कंगारू टीम ने नियमित अंतर में विकेट गंवाए। इन दोनों के अलावा मार्कस स्टोनिक्स और एलेक्स कैरी ने भी अर्धशतकीय साझेदारी की। इन दोनों ने 6 विकेट के लिए 58 रन जोड़े। सबसे ज़्यादा 47 रन मिशेल मार्श ने बनाए। इस मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी ने आक्रामक बल्लेबाजी कर दर्शकों का मनोरंजन किया। फिर हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया और दोनों ने 3-3 विकेट झटकाए और अक्षर पटेल और सिराज को 2-2 सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया ने 269 रन बनाए। इस दौरान विराट कोहली का डांस भी देखने को मिला और एक कुत्ता भी मैदान में घुस आया। मैदान में कुत्ते के घुसने की वजह से थोड़ी देर के लिए खेल भी रुका, लेकिन जडेजा ने इस दौरान मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ा। कांगारू टीम की पारी के 44वें ओवर से पहले एक कुत्ता मैदान में आ गया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए तैयार थे, लेकिन मैदान में कुत्ते के आने की वजह से खेल रुक गया। कुत्ते ने मैदान का पूरा चक्कर लगाया। इस दौरान लॉन्ग ऑन में फील्डिंग कर रहे जडेजा ने बंदर के अंदाज में भागते हुए कुत्ते का रास्ता रोकने की कोशिश की। जड्डू ने अपनी मस्ती से दर्शकों का भी मनोरंजन किया और अंत में यह कुत्ता मैदान का एक चक्कर लगाने के बाद जहां से आया था वही चला गया। इस दौरान ग्राउंड का एक सदस्य कुत्ते के पीछे भागता रहा, लेकिन उससे पकड़ नहीं पाया। जैसे ही कुत्ता मैदान के बाहर गया, वैसे ही दर्शकों ने ताली और शोर के साथ उनकी तारीफ की। और दोस्तों बता दें कि 270 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जवाब में अच्छी शुरुआत की और विराट कोहली ने अर्धशतक के चलते मैच जीतने के करीब पहुंचा था। और दोस्तों बता दें कि भारत के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक 54 रन बनाए और हार्दिक 40, सुमन गिल 37, राहुल 32, कप्तान रोहित शर्मा 30 रन का योगदान दिया, लेकिन अंत में भारत ने लगातार विकेट गंवाए और पूरी टीम 248 रन पर सिमट गई और भारत को 21 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने मुंबई में 5 विकेट से जीता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापत्तनम में दूसरा वनडे 10 विकेट से अपने नाम किया था और अब तीसरा मैच भी जीतकर सीरीज भी जीत ली।